बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। राजधानी शिमला में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। क्या फैसले लिए गए इस मीटिंग में, आइए आपको बताते हैं। 31 मार्च 2017 को 3 साल पूरे कर चुके अनुबंध कर्मी अब नियमित होंगे। सीएम वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अनुबंध कर्मियों को 5 साल की बजाय 3 साल में नियमित करने पर मुहर लग गई है। आपको बता दें कि सीएम वीरभद्र सिंह ने चंबा में हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के हजारों अनुबंध कर्मचारियों को तोहफा दिया था। चंबा के चौगान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने ऐलान किया था कि अब अनुबंध कर्मचारियों को 5 के बजाय 3 साल में नियमित किया जाएगा। वहीं रोगी कल्याण समिति के तहत रखा गया पैरामेडिकल स्टाफ 4 साल में नियमित होगा। इसमें 3 साल अनुबंध और 1 साल आरकेएस के तहत शामिल होंगी। इससे पहले 8 साल में इन्हें नियमित किया जाता था। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्पर के बढ़े हुए मानदेय को भी मंजूरी मिली है। बढ़ा हुआ मानदेय प्रदेश सरकार अपनी ओर से देगी। वहीं कैबिनेट की बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर चर्चा तो हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया जा सका। सरकार ने विभागों से आउटसोर्स कर्मियों का और ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में आईटी, पंप ऑपरेटर सहित अन्य पदों को भरने की भी मंजूरी प्रदान की है। सीएम वीरभद्र सिंह की घोषणा के अनुसार 31 मार्च 2017 व 30 सितंबर 2017 को 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पार्ट टाइम वर्कर्स को दैनिक भोगी बनाने का भी फैसला लिया गया है। पोलस्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार का रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल आने के बाद कई लोगों को अब सपनों का आशियाना मिलने की आस जगी है। इसी के मद्देनजर हिमाचल दस्तक हमीरपुर में प्रदेशवासियों को सपने का घर मुहैया करवाने के लिए एक प्रॉपर्टी कार्निवाल का आयोजन कर रहा है, जिसमें लोगों को प्रॉपर्टी संबंधी जानकारियों के साथ बेहतरीन सपनों का घर मिल सकेगा। हिमाचल दस्तक के इवेंट मैनेजर अनिल चौहान ने बताया कि हिमाचल दस्तक प्रॉपर्टी कार्निवाल 2017 का आयोजन 6 और 7 मई को हमीरपुर के होटल हमीर में कर रहा है। इसमें आम आदमी का घर व प्लॉट लेने का सपना पूरा होगा। प्रॉपर्टी कार्निवाल 2017 में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ व हिमाचल के नामी बिल्डर व प्रॉपर्टी डीलर पहुँच रहे हैं। इसमें चंडीगढ़ के सिटी सेंटर, हर्मिटेज प्लाजा, एसवीपी ग्रुप व जारा कासा प्रमुख हैं। उन्होंने बताया कि बेहतरीन फ्लैट व प्लॉट हमीरपुर की प्राइम लोकेशन पर देने के लिए नामी डीलर भी प्रॉपर्टी कार्निवाल में पहुंचेंगे। प्रॉपर्टी कार्निवाल अभी से जबरदस्त क्रेज ग्राहकों में बनाया हुआ है। इसको लेकर सपनों का घर लेने वाले पूछताछ का सिलसिला भी निरंतर जारी रखे हुए हैं। जैसे कि आप न्यूज़ में देख ही रहे थे, हिमाचल दस्तक प्रदेश का अग्रणी समाचार पत्र हमीरपुर में पहली बार प्रॉपर्टी कार्निवाल का आयोजन कर रहा है 6 और 7 मई को होटल हमीर हमीरपुर में। तो आप सभी हमीरपुर के लोगों से हम लोगों का निवेदन रहेगा कि आप सभी आएँ, विजिट करें, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को फाइनेंस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। फ्लैट्स अगर आपने लेने हैं, प्लॉट अगर आपने लेने हैं, और चंडीगढ़ से बहुत ही बड़े स्तर के बिल्डर्स जो हैं यहाँ पर एग्जीबिशन में आ रहे हैं, जैसे कि चंडीगढ़ सिटी सेंटर, हर्मिटेज प्लाजा, आंचल होम्स और एसबीपी, जारा कासा। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, पोलस्टार टीवी चैनल पार्टनर हमारा है इस प्रॉपर्टी कार्निवल में, और कॉन्सेप्ट पार्टनर जो हैं वो मीडिया विजन हम लोगों के साथ इसमें है। तो आप सभी आइए 6 और 7 तारीख को। जो भी क्वायरीज आपकी हैं आप उनको शेयर करें, इंक्वायरीज को, और फ्लैट लीजिए अपने घर। आपका जो सपना है अपने घर को लेने का, वो यहाँ पर आप पूरा कर सकते हैं क्वायरीज के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर 93 रुपए सस्ता हो गया है। मई महीने से गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को अब 686 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर लेने के लिए 686 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। शिमला शहर में होम डिलीवरी के लिए उपभोक्ताओं को 50 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे।
उपभोक्ताओं को कुल 736 रुपए देने होंगे। पहली योजना से जुड़ चुके उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार 224 रुपए की सब्सिडी बैंक खाते में लौटाएगी। गैस सब्सिडी छोड़ चुके उपभोक्ताओं को वैट भी चुकाना पड़ेगा। सब्सिडी योजना से नहीं जुड़ने वालों को 695 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। होम डिलीवरी के 50 रुपए अधिक चुकाने होंगे। वहीं व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 156 रुपए घटे हैं। इस महीने 1294 रुपए में व्यावसायिक गैस सिलेंडर मिलेगा। 100 रुपए के डिलीवरी चार्ज अतिरिक्त देने पड़ेंगे। पूरे प्रदेश में गैस सिलेंडरों के नए दाम लागू हो गए हैं। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2018 तक उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर 12 गैस सिलेंडर का कोटा दिया जाएगा। कोटे के सिलेंडर समाप्त होने पर बाजार कीमत देनी पड़ेगी। अप्रैल महीने में घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 779 रुपए था। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। HRTC ने बस स्टैंड हमीरपुर में राजीव थाली योजना शुरू कर दी है। इसके शुरू होने से लोगों को 25 रुपए में बेहतर क्वालिटी का खाना मिल रहा है, जिसकी लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। बस स्टैंड हमीरपुर में राजीव थाली योजना के शुरू होने से लोगों को 25 रुपए में बेहतर क्वालिटी का खाना मिल रहा है। कम रेट में खाना मिलने से यात्री भी काफी खुश हैं। लोगों को 25 रुपए में दो दालें, चावल व दो चपाती दी जाती है। इसके अलावा कैंटीन में चाय का प्याला भी 5 रुपए में मिल रहा है। लोगों का कहना है कि इस महंगाई भरे दौर में उन्हें कम रेट में अच्छी क्वालिटी का खाना मिलने से काफी खुशी हो रही है। हमीरपुर में जो कंटीन खुली है राजीव थाली योजना की, अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना ला रहे, अच्छी सुविधा दे रहे, तो अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। पहली बार खुली है हमीरपुर में बस अड्डे के पास। कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा सुजानपुर में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर परिषद के सभी 9 वार्डों व 7 लगती ग्राम पंचायत टिहरा और डेरा के 25 महिला मंडलों और 3 स्वयं सहायता समूहों को 12-12 लीटर के प्रेशर कुकर प्रदान किए गए। सर्व कल्याणकारी संस्था ने नगर परिषद सुजानपुर के सभी 9 वार्डों व 7 लगती ग्राम पंचायत टिहरा और डेरा के 25 महिला मंडलों और 3 स्वयं सहायता समूहों को 22-22 लीटर के प्रेशर कुकर देकर सम्मानित किया। क्षेत्र के समाज सेवियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर देहरा डोली शिशु निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला HP पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांस्कृतिक व खेलकूद गतिविधियों में अव्वल रहे 100 से भी अधिक बच्चों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं समाज सेवियों में DC राणा, HS राणा, शकुंतला देवी, शीला गुप्ता, लता गुप्ता, जैसी राम, विपिन शर्मा, शारदा देवी को विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सर्व कल्याणकारी संस्था के चेयरमैन राजेंद्र राणा ने कहा कि उनकी संस्था पूर्णतः मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। इस अवसर पर नगर पार्षद आशुतोष शर्मा, राजकुमार शर्मा, सुरेंद्र गुप्ता, अशोक राणा, सूबेदार अजीत, तुलसी राम, सुषमा शर्मा के अतिरिक्त संस्था के पदाधिकारीगण और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। आइए अब रुख करते हैं मौसम की ओर। प्रदेश में 7 मई तक मौसम खराब रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में 7 मई तक मौसम के मिजाज पहले के जैसे ही रहने वाले हैं। यानी कि 7 मई तक मौसम मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खराब रहने वाला है। विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना 3 मई को बताई गई है, लेकिन इसके बाद मैदानी क्षेत्रों में बाकी दिन मौसम साफ रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी भी दर्ज नहीं की जा रही है। शिमला का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।